أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم This is قاری محمد قاسم علمی from الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں My dear students, my dear viewers and My dear respected teachers, दोस्तों आज की वीडियो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है जो लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंग्लिश और उर्दू तो उनके लिए ये मैं एक डेमो क्लास बनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारे बेटे हैं बच्चे हैं ईसा इब्राहिम फ्रॉम वेलेंशिया लाहौर पाकिस्तान से तो उनकी क्लास हम आपके सामने लेंगे और आपको बताएंगे कि एक छोटे बच्चे को आपने पढ़ाना कैसे है और उनका जो लेसन है कंपाउंड लेटर्स है मुरक्कबात है और उनको कैसे ज्वाइन करना है आपस में और उनको पढ़ाना कैसे है व्हेन टू और मोर लेटर्स आर ज्वाइन टुगेदर एंड देयर फॉर्म हैज़ बीन चेंज एंड यूजली द हेड ऑफ द लेटर्स यूज रिटन एंड देयर बॉडी इज ओमिटेड तो वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर तो आपसे एक इल्तमास भी है पास आइएगा जब मैं आप लोगों को ये कहूँ कि हम लोग वी डोंट प्रोवाइड स्टूडेंट्स वी ट्रेन द टीचर्स तो लिहाजा ये जो इदारा है नो डाउट हम ऑनलाइन कुरान क्लासेस भी लेते हैं बतौर कारी मैं पूरी दुनिया में खुद पढ़ाता हूँ कारी मोहम्मद कासिम इल्मी मुख्तलिफ कंट्रीज में मैं पढ़ाता हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ट्रेन भी करता हूँ और जब ये मैं कहूँ आपसे इल्तमास करूँ कि देखें जी हम स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं करते तो इसमें आप प्लीज़ गुस्सा मत किया करें वाकई ऐसी बात है हमारा इदारा किसी को स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं करता जो लोग ऐसा कहते हैं अक्सर मजोरिटी ऑफ द पीपल वो फ्रॉड होती है और वो लोगों को ठग रहे हैं इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के अलावा सभी लोग ऐसे नहीं होते लेकिन क्योंकि हमारा इदारा आप लोगों को ट्रेन करता है चाहता है कि आप लोग आगे बढ़ें और कामयाब हों अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमाएं ओके तो आज ये जो क्लास है वो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बना रहा हूँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा हो सकता है आपको कोई नई चीज़ मिल जाए इसके अंदर तो अगर मिल जाए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हो सके तो इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा राइट थैंक यू चलिए चलते हैं क्लास लेते हैं ईसा इब्राहिम की फ्रॉम वेलेंशिया लाहौर पाकिस्तान से हेलो अस्सलाम वालेकुम May I introduce my lovely student Isa Ibrahim from Valencia, Lahore, Pakistan से मैं उनकी एक live class लेने जा रहा हूँ demonstration के लिए तो Isa बेटा आप कैसे हैं Assalamualaikum Waalaikum Assalam आप कैसे हैं बेटा ठीक हैं ठीक हूँ sir very good ये बताइए आपको कलर कौन सा पसंद है स्काई ब्लू वेरी गुड और आप मुझे ये बताइए कौन सी डिश आपको अच्छी लगती है खाना अच्छा लगता है पिज्जा वाह जबरदस्त बहुत अच्छी बात है अच्छा मेरा बेटा ये बताइए आपको सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है स्कूल में उर्दू वाह माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है उर्दू हमारी कौमी जुबान है ठीक है और हमें पसंद भी होनी चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको उर्दू पसंद है शाबाश और फलों में आपको कौन सा फल पसंद है मैंगो वेरी गुड ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स सबसे पहले फर्स्ट क्लास के अंदर आपने बच्चे से इस तरह चार क्वेश्चंस करने हैं ताकि बच्चा आपसे फीमिलर हो जाए आप
आपकी और बच्चे की केमिस्ट्री मैच हो जाए, ताकि जो बच्चा आपसे डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो वो आपसे दोस्ती कर ले और फिर आराम से आप उनको उनका सबक आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो हम ईसा से अभी हम दुआ सुनेंगे और फिर उसके बाद उसका सबक सुनेंगे। ओके ईसा, आर यू रेडी टू रीड दुआ? यस और नो? यस। ओके गुड, प्लीज रीड आफ्टर मी। أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم. ये था तावुज। आपने स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड आपने बच्चे को पढ़ाना होगा, और जब बच्चा पढ़ेगा أعوذ तो उसके बाद आपने फौरी तौर पर बच्चे को एप्रिशिएट करना है, जैसे मैं ईसा को अभी करूंगा। वेल डन ईसा, वेल डन, यू रेड इट, माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश, लुक एट मी। ओके नाउ रीड तस्मिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हिर रहमा निर रहीम निर रहीम, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके रीड दुआ। रब्बिश रहली रब्बिश रहली सदरी सदरी वयस्सिरली अमरी अमरी वहलुल वहलुल उकदा उकदा तम मिल लिसानी कौली कौली रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा, माशाल्लाह। ईसा ओके कैन यू सी दिस पेज? यस। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ यू लिसन। ओके आई विल रीड उर्दू ट्रांसलेशन एंड देन इंग्लिश। ओके परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। चलें जी अब हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी करेंगे। ईसा इधर देखिएगा स्क्रीन की तरफ। यस ही मूसा अलैहिस्सलाम सेड। ओके मूसा अलैहिस्सलाम वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी मोसेस। ओके मूसा अलैहिस्सलाम, My Lord, open up for me my chest and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Say, Ameen. Ameen. Yes. Okay, we are going to next page. This is a lesson number 2, Haruf-e-Murakkabat, compound letters. Compound letters. Listen be carefully. First point, when two or more letters unite, they form a murakkab compound. Read each letter of the murakkab compound letters separately as you read the haruf-e-mufradat, individual letters. First point mein aur second point mein ye kaha gaya hai ki aapne in compound letters ko separately padhna hai jaise aapne individual letters padhe the. पता है कौन से? मैं आपको दिखाता हूं, ये है इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है, ये वाले आप देख रहे हैं, अलिफ बा अलिफ ता बा, सा ता, जीम हा जीम हा, यस हो। अच्छा ये थे मेरा बेटा इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है, जब आपने ये लर्न किया था, सीखा था, इनको कहते हैं इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है, और अलग अलग हमने पढ़ना है। अब हम आज के लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड लेटर्स। कंपाउंड लेटर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, व्हेन टू और मोर लेटर्स आर जॉइंट टुगेदर एंड रिटन देयर फॉर्म इज चेंज्ड, यूजुअली द हेड ऑफ द लेटर इज रिटन एंड द बॉडी इज ओमिटेड। उनका कहने का मकसद यह है, जब दो या दो से ज्यादा जो लेटर्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है और अक्सर उनके जो सिरे होते हैं, ठीक है,
उनके जो सिरे होते हैं, सिरे से मुराद है हेड्स होते हैं जो लेटर्स के, उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है और उनकी जो बॉडी होती है वो ओमिटेड कर दी जाती है। कैसे? गायब कर दी जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ईसा, आप ये देखिएगा कि जैसे कि ये लाम है, ये देख रहे हैं ना, ये लाम है और प्लस आपने बीच में डाला और अलिफ, ठीक है। अब ये फुल शेप है दोनों की, इज इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पर द बिगनिंग शेप ऑफ द लेटर, द बिगनिंग शेप ऑफ लाम, ये ऐसे होता है और इसके साथ अलिफ लगा देना है। तो ये देखिएगा हमने इन दोनों के हेड्स को आपस में मिलाया, ठीक है ईसा। यहाँ पर अब यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, ये देखिए ये क्या है, अलिफ, क्या है, अच्छा जी लाउडली बोले, और ये क्या है, लाम अलिफ। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, गुड जॉब, गुड जॉब। इन दिस बॉक्स देर आर टू लेटर्स, द ब्लैक वन इज लाम, ए लाम इन अ बिगनिंग शेप एंड द ग्रीन वन इज अलिफ, दिस इज द लाम अलिफ एंड यू विल रीड सेपरेटली, ओके, ईच लेटर सेपरेटली, राइट। और ये कौन सा लेटर है, लाम अलिफ। वेरी गुड, और ये, वेरी गुड, शाबाश, और ये लेटर कौन सा है, नून अलिफ, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अच्छा मैंने आपको कौन सी हिंट दी थी इसको याद करने की, मैंने आपको क्या बताया, दोबारा बोले क्या बताया था मैंने, गुड आफ्टरनून, यस वेरी गुड। आपको ये नून जो है वो याद नहीं हो रहा था, तो आप इसको याद नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने आपको हिंट दी थी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो गुड आफ्टरनून की वजह से नून आपको ये याद हो गया। और ये कौन सा लेटर है ईसा, बताइए, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें ईसा मुझे ये बताइए मेरा बेटा, ये कौन सा लेटर है, ये वाला, या अलिफ, वेरी गुड। और ये सालिफ, ओके। अब एक बात है यहाँ पर, अब आपको ये सा याद नहीं है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा, हम इसको कैद कर लेंगे, ठीक है, इनको एक कैसे से, यस। अब ये क्या हुआ, इसके इर्द गिर्द उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया सा को, क्योंकि आपने गलत पढ़ा है, ऐसा ही है ना। तो अब आपने इसको आजाद करवाना है लॉकअप से सही पढ़कर, तो जू जू आप सही पढ़ेंगे तो उनके इर्द गिर्द राउंड पे जो वॉल्स हैं, टॉल एंड ह्यूज वॉल्स, वो कोलैप्स करती जाएंगी, गिरती जाएंगी, ठीक है। चलिए आप इसको सही प्रोनाउंस करें, इस लफ्ज को पढ़िए, सा अलिफ। चलिए बेटा पढ़िए, सा अलिफ, सा अलिफ, यस। आपने देखा एक दीवार गिर गई है जब आपने सही प्रोनाउंस किया है। चले फिर पढ़िए, वेरी गुड, फिर पढ़िए, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, यू डिड इट, ओके, गुड जॉब, क्लैपिंग, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ, शाबाश, क्लैपिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब ईसा, गुड जॉब, शाबाश, शाबाश। नाउ रीड दिस वन, विच लेटर इज दिस, ये कौन सा लेटर है, शीद अलिफ, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर गुड लर्नर, यू आर क्विक लर्नर, यू आर स्मार्ट बॉय, यू आर अमेजिंग, माशाल्लाह। ओके विच लेटर इज दिस, विच लेटर इज दिस, ये पढ़िए, सर आपकी आवाज कट रही है, ओके अब आ रही है आवाज, आ रही है, पहले पता है क्या हुआ, क्या हो रहा था जी, ये स्टॉप हो जा रहा था, हो रही आवाज, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा जी
माय डियर टीचर्स एंड व्यूवर्स, सम टाइम ड्यूरिंग क्लास जो है सिग्नल जो है वो वीक होने की वजह से, पुअर कनेक्शन होने की वजह से आवाज रुक जाती है, दूसरी तरफ नहीं जा रही होती, ठीक है, तो वो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और पुअर कनेक्शन आ जाता है, और फिर थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें, उसके बाद फिर आवाज़ आपको आ जाएगी, जैसे कि इस वक्त हमारे सिनेरियो में हुआ है। अच्छा ईसा बेटा, मुझे ये बताइए ये कौन सा लेटर है? फा अलीफ, यस फा अलीफ, और ये कौन सा लेटर है? ये कौफ अलीफ। एक्सलेंट, शाबाश, वेल डन, वेल डन, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, गुड, शाबाश शाबाश। चले ईसा बेटा पढ़िए, ये कौन सा लेटर है? ये जीम अलिफ, अलिफ, जीम अलिफ, जीम अलिफ, शाबाश। और ये को अलिफ। ओ वेरी गुड। अच्छा ईसा इब्राहिम, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए इसका कलर नेवी ब्लू कलर क्यों है? ये हैवी लेटर है। हैवी लेटर है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेल डन। और ये कौन सा लेटर है? ये हालिफ। कौन सा लेटर है? हालिफ, यस हाँ अलीफ। ये मैं स्पॉटलाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्पॉटलाइट का, हा अलीफ, वेरी गुड। और ये कौन सा लेटर है? आईन अलीफ, वेरी गुड। और ये बाइन अलीफ, माशाल्लाह। और ये तो आपको आता ही है सौद अलीफ, ठीक है ना, सौद अलीफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माय डियर व्यूअर्स, माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि ईसा इब्राहिम बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जो कि वलेंशिया लाहौर पाकिस्तान से, पता है क्या पूरा क्या है? मोहम्मद ईसा इब्राहिम, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके जी, इन्होंने करेक्शन करवाई है, इनका पूरा नाम है मोहम्मद ईसा इब्राहिम, ओके, फ्रॉम वलेंशिया लाहौर पाकिस्तान से ये बात कर रहे हैं, और उनकी एक लाइव क्लास में आप लोगों के लिए ये सेशन क्लास में ले रहा हूँ, ताकि आप लोग क्या कहते हैं समझ सकें ये क्लास हमने कैसे लेनी है। हाँ नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपके पास दो से ज़्यादा, तीन से चार स्टूडेंट्स हैं, तो उनका डाटा और उनका सबक आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा बच्चा किस वक्त पढ़ रहा था, क्या टाइम था और कौन सा लेसन था, तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ। ये जी इस वक्त ईसा इब्राहिम है, ठीक है, यहाँ पर सिटी नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप वलेंशिया, ठीक है, लिख सकते हैं, लाहौर पाकिस्तान टाइम। इस वक्त 2 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, और पेज नंबर इनका जो है चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 5 है, और ये मदनी कायदा इंग्लिश है। इसी तरह आप बच्चे का नाम चेंज करते जाएं, और उनकी चैप्टर नंबर और उनका वर्स नंबर, रकू नंबर भी इस तरह लिखते जाएँ, तो इंशाल्लाह अगर आपसे 10 से 12 बच्चे भी होंगे तो इस तरह आप सेव करते जाइए, और आपको पता चल जाएगा सीक्वेंस वाइज कौन सा बच्चा किस वक्त पढ़ेगा, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम ईसा से इजाज़त तलब करते हैं। ईसा बेटा, थैंक यू वेरी मच, और जाते जाते मेरे साथ आपने मिलके ऊंची आवाज़ में अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आपने क्लास एंड करनी है तो यहाँ पर ये रेड कलर का जो रिसीवर नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक कर देंगे, क्लास एंड हो जाएगी।